हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सर हे प्रभु जी और माता जी, हरे कृष्णा सर हे बाल भक्त। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि सर ने आज मुझे आध्यात्मिकता के बारे में बोलने का कुछ मौका दिया। वैसे तो मेरे अंदर कोई भी ऐसी क्वालिटी नहीं है कि मैं आध्यात्मिकता के बारे में बोल पाऊँ, लेकिन हमारे सदगुरु सर ने जो हमें ज्ञान दिया है उसी में से मैं कुछ बताना चाहूंगा। मेरा विषय है वैष्णव किसे कहते हैं। जिसे सर ने हमें ज्ञान दिया है कि कोई भी मनुष्य साधारण के जीव के रूप में जन्म लेता है। अगर मनुष्य के मन में लॉर्ड कृष्णा को प्राप्त करने की इच्छा होती है तो वह प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण ग्रहण करके प्रामाणिक गुरु उसको लॉर्ड कृष्णा की भक्ति में लगाने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे सर हमें हर वक्त कृष्ण भावना मृत में लगाने का प्रयास करते हैं, और जब गुरु गुरु को विश्वास आ जाए कि मनुष्य लॉर्ड कृष्णा के बताए गए रास्ते पर चल सकता है तो वह उसे अपना शिष्य बना लेते हैं। उसे द्विज भी कहते हैं। उसे द्विज को वैसे वेदों और शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता है जिससे वह ब्राह्मण बन जाता है। इसके बाद अगर ब्राह्मण लॉर्ड कृष्णा है, लॉर्ड कृष्णा के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाता है और भक्त बन जाता है तो वह ब्राह्मण वैष्णव कहलाता है। कोई भी मनुष्य के प्रामाणिक गुरु के शरण लेकर लॉर्ड कृष्णा का समर्पित भक्त बन जाता है तो वह वैष्णव कहलाता है। इसलिए वैष्णव ब्राह्मण से बड़ा होता है। ब्राह्मण को सभी तरह का ज्ञान होता है, कर्म कांड भी आता है, लेकिन वैष्णव को लॉर्ड कृष्णा का पूरा ज्ञान होता है और वह किसी भी कर्म कांड से फंसता नहीं है। केवल लॉर्ड कृष्णा की भक्ति करता है। लॉर्ड कृष्णा ही केवल भगवान है, इसलिए वैष्णव ब्राह्मण से बढ़कर होते हैं। वैष्णव के अंदर ब्राह्मण की कोई भी क्वालिटी अपने आप आ जाती है। वैष्णव स्वभाव से अहिंसक शांत जीव होता है और उसमें ईश्वर के समस्त सद्गुण होते हैं। किंतु जब कोई अभक्त भगवान या उनके भक्तों की निंदा करता है तो वैष्णव कभी भी ऐसी दृष्टता को सहन नहीं कर पाता। हमारे सदगुरु सर भी वैष्णव ही है, क्योंकि सर में वैष्णव की हर क्वालिटी मौजूद है और सर हम सभी भक्तों को वैष्णव बनाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते हैं। तो वैष्णव वो मनुष्य होते हैं जो लॉर्ड कृष्णा से चले आ रही गुरु शिष्य परंपरा को जुड़ते हैं और अपने आध्यात्मिक गुरु की शरण ग्रहण करते हैं, लॉर्ड कृष्णा की भक्ति करने में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हम बहुत भाग्यशाली है कि हमें सर जैसे प्रामाणिक गुरु मिले हैं। इसलिए लॉर्ड कृष्णा और अपने सदगुरु सर को आरआईएफ के परिवार से कोटि कोटि नंबर। हमें वैष्णव कैसे बन सकते हैं? वैसे तो हम में कोई भी ऐसी क्वालिटी नहीं है कि हम वैष्णव बन सके, लेकिन हमारे सदगुरु सर ने हमें जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो इंस्ट्रक्शन अगर हम एज इट इज फॉलो करें तो हम लॉर्ड कृष्णा और सर की अहेतु की कृपा से वैष्णव बन सकते हैं। सर ने हमें सबसे पहले एबीसीडी प्रोसेस बताई है। यह प्रोसेस को हमें अप्लाई करना पड़ेगा। शॉर्ट में एबीसीडी प्रोसेस के बारे में बताना चाहूंगा। ए, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। हमें गुरु और भक्तों की संगति करनी चाहिए। बी, बुक्स रीडिंग। भगवद गीता और श्रीमद भागवतम जैसे वैदिक ग्रंथों को नियमित पढ़ना चाहिए। सी, चैंटिंग करना, हरे कृष्ण महामंत्र के जप माला करना। और डी, डोनेशन, लॉर्ड कृष्णा की सेवा कार्य के लिए दान देना। दान हमें इस भाव से देना है कि ये सब लॉर्ड कृष्णा का है और उनकी सेवा में हमें ही लगाना चाहिए। हमारे आरआईए परिवार में अभी जो डेली ऑनलाइन प्रोसेस होती है, जैसे कि सुबह 5 बजे मंगल आरती करना, 5:50 से 6:20 जप माला करना, 6:20 से 6:30 तक भगवद गीता पर प्रवचन सुनना, और हर संडे को 2:30 बजे सर का भगवद गीता
गीता पर हर संडे को प्रवचन होता है, उसे अटेंड करना। ये सभी प्रोसेस को रेगुलरली करके हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं और वैष्णव बन सकते हैं। जैसे हमारे सन ने अपनी हर इंद्रियों को लॉर्ड कृष्णा की सेवा में लगाए हैं, वैसे ही हम हमारी हर इंद्रियों को लॉर्ड कृष्णा और गुरु भक्तों की सेवा में लगाना पड़ेगा। यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहूंगा। भगवत गीता में अध्याय 2 के 61वें श्लोक में बताया है कि राजा अम्बरीश ने कैसे अपनी सभी इंद्रियों भगवान की सेवा में लगाई थी। उसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में 9.4 18-20 श्लोक बताए हैं। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान श्री कृष्ण के चरणामृत पर स्थिर कर दिया, अपनी वाणी भगवान के दाम की चर्चा में लगा दी, अपने कानों के भगवान की लीलाओं को सुनने में लगा दिया, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपने आंखों के भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपने नाक को भगवान के चरणामृत पर भेंट किए गए फूलों को सूंघने के लिए, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी पत्रों का आस्वाद करने में, अपने पांवों को जहां जहां भगवान के मंदिर है उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान का नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वो भगवान के मत पर भक्त बनने योग्य हो गए। भगवान शंकर के सबसे बड़े वैष्णव कहा जाता है। हमें भी शंकर भगवान से यही प्रार्थना करनी है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने में शक्ति प्रदान करें। इन सभी चीजों को हम गुरु की शरण में रहकर अप्लाई करेंगे तो हम निश्चित रूप से वैष्णव बन सकेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु अर्जुन और हनुमान जी को भी वैष्णव कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने निर्भीक होकर अपने जीवन काल तक भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के नाम का प्रचार किया। अर्जुन ने भगवान को संतुष्ट करने के लिए वीरता पूर्वक युद्ध किया। अर्जुन भी भगवान का वैष्णव है। हनुमान जी ने भगवान राम के भक्त हैं और उन्होंने रावण के अभक्त दल को अच्छा पाठ पढ़ाया। वैष्णव धर्म का सिद्धांत है सभी प्रकार से भगवान को प्रसन्न करना। हरे कृष्णा।